हेलो दोस्तों, मैं नंदा वैष्णो अपने यूट्यूब चैनल नंदा की रेसिपीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मेथी का पराठा बनाएंगे। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसमें कड़वा बिल्कुल नहीं लगता है। तो आजकल तो ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा मेथी मिलती है और पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने मेथी की भाजी ले ली है, तो उसे धो करके मैंने काट ली है, पत्ते पत्ते को ही ली है मैंने। तो इसे मैं थोड़ा पका कर ही बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और धनिया ले ली है, जिसे मैं पीसूंगी। और उसके बाद आटा गूंदने के लिए मैंने दही ले ली है। तो पराठा बनाने के लिए मैं सबसे पहले जो ये भाजी है इसे मैं इस तरीके से कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे साबुत ही रखना है और काटेंगे तो ज़्यादा ही छोटी छोटी हो जाती है इसलिए। और मैंने पेस्ट भी बनाकर रेडी रखा है, अदरक लहसुन और धनिया ये सब का। तो देखिए इस तरीके से हम कर ले रहे हैं, ये हो गई है। अब इसे हम थोड़ा पकाएंगे। तो देखिए गैस में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, गर्म हो गई है। मैं इसमें बहुत ही कम तेल डाल रही हूँ, एक ही चम्मच तेल डाली हूँ। तो तेल गर्म हो गई है तो मैंने हींग डाल दी है। आपको पसंद नहीं है तो हींग ना डालें। मैं इसके बाद जीरा डाल दी हूँ, आप जीरा की जगह पे अजवाइन डाल सकते हैं। तो अब इसमें जो मैं पेस्ट तैयार की थी उसे भी डाल लूँगी और थोड़ी देर ही भूनूंगी उसे भी। अब वो सारी चीज़ें भून गई हैं तो मैं इसमें भाजी डाल दूँगी। हमको भाजी को ओवर कुक नहीं करना है तो हम थोड़ी ही देर भाजी को पकाएंगे। तो इस तरीके से डाल करके हम अच्छे से झाला चला देंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए। तो इस तरीके से हमको इसे पका लेना है, जब भी पराठा बनाए तो ओवर कुक ना करें। देखिए इसमें मैं नमक डाल ले रही हूँ और मैं कुछ नहीं डालूँगी इसमें। उसके बाद ये थोड़ी देर और पका के इसको मैं उतार दूँगी। लास्ट में मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ, इससे स्वाद बढ़ता है तो थोड़ा सा ही डाल रही हूँ बस। उसके बाद मेरे को इसे निकाल देना है प्लेट में। तो हम आटा लगा लेते हैं अब पराठा के लिए। तो देखिए मैंने मीडियम साइज़ की कटोरी में 3 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसमें मैं नमक डालूंगी। और पहले से मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली है, तो इसमें पाउडर मिर्ची और धनिया पाउडर भी डालूंगी। तो देखिए मेथी भाजी जो मैं पका के रखी थी उसे भी अच्छे से मिला ले रही हूँ। और मोहन के लिए मैं थोड़ी सी बस आधी चम्मच इसमें घी डालूंगी, आप इसकी जगह पे ऑयल डाल सकते हैं। और गूंदने के लिए मैंने यहाँ ताजी दही ली है और दही में थोड़ा पानी मिक्स किया है, तो इससे बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता हमारा पराठा, इसीलिए मैं ऐसे ही डालती हूँ और इसी से गूंदती हूँ। तो देखिए मैंने पहले से डाली हुई है मिर्ची वगैरह, तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली है और धनिया डाला हुआ है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा इसमें दही डाल करके अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बिल्कुल भी खट्टी दही नहीं ली हूँ, ताज़ा दही थी जो कि खट्टी बिल्कुल नहीं थी, जो ज़्यादा खट्टा दही यूज़ ना करें इसमें। और पत्ता वाला जो धनिया था उसे मैं पीस करके डाली हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी पाउडर धनिया डाली हूँ। तो देखिए अब रेडी है ये डो। तो इसमें से आप पेड़े हम तोड़ लेंगे, छोटी छोटी ही तोड़ रही हूँ मैं, तो हम पतला पतला ही बनाएंगे, तो इसीलिए मैं छोटी छोटी ही पेड़े बनाई हूँ। इसमें से मैंने एक पेड़ा लेकर के ऐसे पतला पतला बेल रही हूँ। तो इसमें मैं छोटी सी बेल करके पहले इसमें घी लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैं मोहन कम दी थी। तो इस तरीके से हम करते हैं तो अच्छा फूलता है पराठा। तो इस तरीके से ट्रायंगल शेप में मैं इसे बेल लूँगी। तो इसे मैं आटा लगा करके अच्छे से बेल लूँगी, पतला ही बेलूँगी। तो अपनी इच्छा अनुसार आप मोटा भी बेल सकते हैं, आपको मोटा पराठा पसंद है। तो मैं पतला ही बेल रही हूँ, देखिए इस तरीके से। दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक भी जरूर दीजिएगा यदि पसंद आ रही होगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने बेल लिया है और मीडियम आंच पे मैंने तवा को चढ़ा के रखा था। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे सेक ले रही हूँ, तो दोनों तरफ से पलटा करके इस तरीके से देखिए कपड़े से दबाएंगे तो ये अच्छे से फूलती है। रोटी हो चाहे पराठा हो, ऐसे दबाएंगे तो अच्छे से फूलती है। तो साफ कपड़ा ही ले इसके लिए। तो पराठा जो है यदि टेस्ट बढ़ाना है तो घी लगाने से ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों कितनी फुली फुली बनी है मेरी मेथी के पराठे। तो इसी तरीके से मेरे को बाकी भी बना लूँगी, तो ये बन के रेडी है। तो देखिए दोस्तों मेरी जो पराठा है मेथी की एकदम परफेक्ट बन के रेडी है, अंदर से बिल्कुल परतदार बनी है। तो मैंने इसे तड़के वाले दही के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो सादा दही के साथ या अचार के साथ या कोई सी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो मैंने गोल वाली भी बनाई थी लेकिन वीडियो लंबी बन जाती इसलिए वह वाली मैं नहीं दिखा पाई। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने अपनी रेसिपी आप लोग से शेयर की है तो आप भी अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के बीच इसे शेयर कीजिएगा। तो जल्द मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।